शिक्षा के नाम पर शिक्षक दे रहे हैं घर गृहस्थी की शिक्षा। स्कूल में बच्चे रोज खोलते हैं स्कूल का ताला। साफ सफाई में बच्चे ज्यादा होशियार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के राज में भांजे एवं भांजियां पढ़ाई में होशियार हो जाएंगे, पर स्कूल में शिक्षा के नाम पर शिक्षक दे रहे हैं घर गृहस्थी की शिक्षा। साफ सफाई से लेकर झाड़ू तक लगवाई जाती है और चपरासी गिरी में जरूर होशियार हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ शहर के मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान सागर शासकीय माध्यमिक शाला की। बिना चपरासी के स्कूल में बच्चे रोज खोलते हैं स्कूल का ताला और अपनी अपनी कक्षाओं में रोज की तरह बच्चों से साफ सफाई एवं झाड़ू लगवाई जाती है, जिससे कि पढ़ाई में तो कम होशियार, साफ सफाई में बच्चे ज्यादा होशियार नजर आ रहे हैं। अंजलि है। कौन सा काम है? हनुमान सागर। बेटा आप लोग झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? पर हम लोग साफ सफाई करके बैठते हैं। बैठने के लिए साफ सफाई करते हैं। कौन कहता है? ये कौन कहता है साफ सफाई के लिए? सब लोग कहते हैं कि साफ सफाई कर दिया। हाँ, क्लास भी करते हैं। अच्छा, अपनी क्लास की। सबके अलग अलग नंबर लगते होंगे, कभी कोई लगाता होगा कभी कोई लगाता होगा, है ना? ठीक। आप कितने बजे आ गए? 10 बजे। मोहित अहरवाल। कौन सी क्लास में पढ़ते? 6 में। कितने बजे खुलता आपका स्कूल? 10:30 बजे। सर साढ़े 10 बजे, कभी 10:30 बजे की 11 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे। ठीक है। और शाम को छुट्टी कितने बजे होती है? 4 बजे। 4 बजे, रोज 4 बजे होती है। अभी सर नहीं आए आपके? जोर से बोलो। जोर से बोलो बेटा, आप आ जाए। नहीं नहीं है ना अभी सर? कोई भी सर टीचर नहीं आए? और यहाँ के चपरासी नहीं? नहीं है, कोई नहीं है। कल आप लोग खोलते हो बोलते हैं? पूरी सफाई कौन करता सर? हम। अच्छा, बच्चे करते सफाई यहाँ की। क्या नाम है उनका? आशीष लोधी। यहीं यहीं के हैं। कौन सा गांव है जी? हनुमान सागर। हनुमान सागर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। 8 क्लास में। सर कितने बजे आते हैं आपके? 10:15 बजे ऐसे आए। अभी कितने बजे रहा? 10:30 बजे। अभी कितने बजे? 10:30 बजे। सारा घर खोलते हैं। अच्छा, आप खोलते हैं? आप इसी स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का सारा खोलते हो? शाम को छुट्टी कितने बजे होती है आप? 4 बजे। 4। और सर कितने बजे चले जाते हैं? 4 बजे। अच्छा, रोज आते हैं ऐसे 10:30-11, 10:30-11 बजे? 11 बजे आता है। कितने बजे आते हैं? 11 बजे। अच्छा, कभी 11 बजे, कभी 10:30। ठीक है। खाना वगैरह मिलता है आपको? यस सर। कितने बजे मिलती है? 4 रोटी मिलती है, 1 बजे। और सब्जी? सब्जी मिलती है, दाल और रोटी। जब इस संबंध में बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने बताया शिक्षक स्कूल में 11 बजे आते हैं और उनके पहले स्कूल की साफ सफाई हम बच्चे कर लेते हैं, कोई चपरासी भी नहीं है। जहां होना चाहिए बच्चों के हाथों में पुस्तक है, वहां उनके हाथों में थमा दी गई है झाड़ू और ताले की चाबी। ऐसे में बच्चों का भविष्य भगवान के भरोसे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिले में सिर्फ मात्र एक यही स्कूल है। नगर से मुख्य सड़कों से दूर कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें सफेद पोश नेताओं के चहेते जो कभी कभार ही स्कूल जाते हैं। आने वाले एपिसोड में ऐसे ही स्कूल को हम दिखाएंगे जिसमें सफेद पोश नेता के रिश्तेदार कभी स्कूल गए ही नहीं। जब इस संबंध में बीआरसी अधिकारी कार्तिक खरे जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ बताया है, हम शीघ्र ही ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा गोवर्धन लोधी। अच्छा, कौन से गांव के हैं? ग्राम हनुमान सागर। जो भी आपके हनुमान सागर में स्कूल है, उसकी स्थिति क्या है स्कूल की? मास्टर लोग जो आते हैं कितने समय पे आते हैं? वही 11 बजे। 11 बजे स्कूल है बच्चों के? 10 बजे की सवा दे जी, है ना? जो हमने देखा है जो बच्चों से जो झाड़ू वगैरह लगवा रहे हैं, तो ये बच्चे ऐसे रोज़ झाड़ू लगाते हैं? सफाई रोज करते हैं? ऐसे ही रोज़ काटते हैं। अच्छा, रोज़ सफाई करते हैं? रोज़।
आप लोग ग्रामीण लोग हैं यहाँ के रहने वाले नहीं आप लोगों ने? आप लोगों ने कभी इस बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं की? नहीं की। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, बहुत जान से की लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कैमरामैन शुभम श्रीवास्तव के साथ संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट।